हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी देखिए सुबह का समय है और मैं पूजा कर रही हूँ। ओह, एक चीज़ और बोल दूँ, आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करें, नाग देवता करें, शिव जी करें, सभी के लाइफ में कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना आए। तो अभी देखिए मैंने भी पूजा कर लिया है और अभी जा रही हूँ मैं जो नाग देवता का पूजा करने। जैसे हमारे यहाँ ये तस्वीर लगाई जाती है तो बच्चे आते हैं बेचने के लिए, तो हम यही तस्वीर खरीद लेते हैं और फिर दरवाजे के अगल बगल में लगा के और रोड़ी चंदन लगा के अक्षत लगा के और इन्हें दूध लावा चढ़ा के और यही होती है हमारी नागपंचमी की पूजा। तो हर साल तो ऐसा ही करते हैं, मायके में दूसरी तरीके से होता है, ससुराल में दूसरी तरीके से होता है। तो अभी देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और ऐसे ही मैंने हर चौखट के अगल बगल तस्वीर जो है रुपेश सुबह ही लगा दिया था और मैंने पूजा कर लिया। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ नागपंचमी की पूजा। आप कैसे करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए मैंने ब्रेक ले लिया था और शायद अभी भी मैं लगातार मतलब रेगुलर रूटीन में ना रह पाऊँ। तो कभी कभी ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोग तक अपनी वीडियो पहुँचा सकूँ। मेरी कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन गए हैं जिनको मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो हाँ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसी वजह से मैंने वीडियो जो है वो बंद कर दिया था, पर अभी ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को मतलब आप लोग का ये जान के कि आप लोग मेरी इतनी परवाह मेरी इतनी चिंता करते हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा मतलब इतने अच्छे दोस्त मेरे जो हैं वो सोशल मीडिया पे बन गए हैं जिनको मेरी इतनी ज़्यादा परवाह है, मेरी इतनी चिंता करते हैं। अभी देखिए काफ़ी टाइम से छूटा है ना तो मेरा आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रहा है। मैं मतलब अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, वॉइस रिकॉर्ड अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो बस आप लोग को थैंक यू कि आप लोग मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हो और मुझे बहुत खुशी हुई। सच में मैं बता रही हूँ, मैं आपसे मतलब बता नहीं कर सकती इस खुशी को कैसे बयां करूँ कि मैं इतनी खुश थी। पर आप लोग के कमेंट आते थे कि कम बैक, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के कहने पर एक बार कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो अभी देखिए मैंने कपड़े भी मतलब सुबह ही लगा दिए थे तो इसमें 1.5-2 घंटे लगते हैं कपड़े वाश होने में, तो ये सारे कपड़े वाश हो गए थे तो अब मुझे छत पर इन्हें फैला देना है। और फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अभी देखिए कपड़े मैंने छत पे डाल दिए हैं और बस हवा लगने की देर है, उसके बाद कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। वैसे धूप तो नहीं निकली थी, बदरी ही था। हमारे यहाँ का मौसम कुछ अजीब है, जैसे बारिश नहीं हो रही है, बस मौसम ठंडा है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। बस हर जगह बारिश हो रही है पर हमारे यहाँ ये बारिश नहीं हो गई है। और अभी देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में। मैंने सरसों का तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था, फिर उसमें जीरे और इलायची से मैंने लगाया है तड़का। लौंग नहीं था, लौंग होता तो मैं वो भी इसमें डालती। फिर मैंने डाल दिया है प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। और इधर मैं आलू बॉयल होने के लिए आलू को धुल रही हूँ और इसे 2-3 सीटी आने तक चढ़ा दूंगी गैस पे ताकि आलू जो है वो बॉयल हो सके आलू परवर की सब्जी के लिए। और यहाँ प्याज जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं तो ये देखिए मुझे गोल्डन ब्राउन प्याज चाहिए और अभी हो चुका है। तो मैं अब इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छे से इसे मिला लूँगी, इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा छोले का। और ये मैंने पीस लिया था मिक्सर में, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया है, बस कुछ मोटा मोटा पीस लिया है इसे। और डाल देती हूँ हल्दी और नमक, अभी गरम मसाला बाद में ऐड करूँगी क्योंकि पहले डाल देने पे वो टेस्ट नहीं आता है इसमें। और अच्छी तरीके से इसे मिला लूँगी और भूनूंगी, जब तक कि इसे तब तक भूनना है जब तक कि तेल जो है वो बाहर ना आ जाए। और मैंने 2 चिटकी हींग लिया था, वो मैं मसालों में डालती हूँ, बहुत लोग पहले डाल देते हैं पर मैं मसालों में डालती हूँ जब मसाले भून जाते हैं तब। और अभी देखिए मसाले भून गए हैं तो मैंने इसमें छोले ऐड कर दिया है, छोला मैं पहले से ही बॉयल करके रख दी थी। और आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग करते करते ना मैं भूल गई टमाटर डालना इसमें, तो देखिए अभी मैंने ऊपर से टमाटर डाला है। और कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ रही थी तो इसलिए मैंने इस बर्तन में
छोला जो है बॉयल होने के लिए रख दिया है, छोला बन चुका है और मैंने उसे उतार लिया है। और फिर मैं उसी कढ़ाई को धुल के उसी कढ़ाई में तेल डाला है और परवल जो है उसे हल्का सा बस पूरा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा सौते होने तक फ्राई कर लूँगी। फिर मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए आलू, और आलू को मैंने तोड़ा नहीं है, बाद में जब सब्ज़ी बनाऊँगी तब तोड़ लूँगी। वैसे तो आलू इतना ज़्यादा चपक रहा था ना कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो अभी देखिए आलू भी जो है किसी तरीके से फ्राई हो गया है, तो अब मैंने उसी में तेल डाल दिया है और बस प्याज को हल्का सा मुझे सौते करना है, इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, नहीं ये भी मैंने कूट के ही रखा था, तो उसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और इसमें डाल दूँगी टमाटर, टमाटर भी मुझे तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो है सॉफ्ट टमाटर ही अच्छे लगते हैं, खड़े टमाटर दिखते हैं तो बच्चे मेरे नहीं खाते हैं। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुका था, मैंने इसमें आलू परवर ऐड कर दिया है और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी नमक मैंने डाल दिया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और बस इसे थोड़ी देर और भूनूंगी। और जो आलू है सारा, जो मुझे लग रहा है कि बड़ा साइज़ है ना, उस आलू को मैं थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ। और अभी देखिए मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप देखे होंगे, लेकिन नए होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बन गई हमारी सूखी सब्जी आलू परवर की, और इसे आप पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। अगर कहीं सफ़र में ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। फिर काफ़ी बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा कि इधर भी थोड़ा थोड़ा बर्तन साफ़ करती रहूँ। और ये सारे काम हो जाने के बाद ना मैं खाना खाने के बाद सो गई, मैं 5 बजे उठी, मुझे लगा ही नहीं मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी अभी, पर जैसे आदत मेरी छूट गई है तो इसकी वजह से बहुत कुछ छूट गया मेरा रिकॉर्ड करना। तो अभी देखिए मैं धुल लूँगी बर्तन और इसके बाद पूड़ियाँ तल लूँगी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11 बज रहा था और बच्चे भी कुछ नहीं खाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले पूड़ियाँ तल के इन्हें खिला दूँगी, बाद में चावल बनाऊँगी लंच के समय में। तो अभी बर्तन मेरे जो हैं वो वॉश हो चुके हैं। सिंक एरिया साफ़ लगता है ना तो मन भी लगता है किचन में, और सिंक एरिया जब फुल रहता है तो मेरा दिमाग जो है, मेरा मतलब बार बार पूरा ध्यान वही सिंक पे रहता है कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। हस्बैंड भी आ गए थे तो उनके लिए मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी, तो एक साइड में देखिए चाय बन रहा है और एक साइड में मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। और रुपेश, मतलब रिकॉर्डिंग रुपेश ही कर रहा है, तो बोल रहा है मम्मी जल्दी से मुझे खाना लगा दीजिए, मुझे भूख लग गई है। तो वही बोल रही हूँ थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगी। और शायद ट्राईपोड जो है वो मेरा टूट गया है, क्योंकि वीडियो बनाना बंद कर दी थी तो इधर उधर होने से ना वो टूट गया, तो उसे मैंने उठा के फेंक दिया है। अब देखती हूँ अगर आगे कुछ होगा तो ट्राईपोड दूसरा लिया जाएगा। फिर तब तक नाउन आ गई थी हमारे यहाँ, नागपंचमी में या कोई भी फेस्टिवल हो तो नाउन आती हैं पैर में रंग भरने के लिए, तो वो आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी रंग लगवा लेती हूँ। इसके बाद हमने लंच कर लिया, और लंच का तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मेरा मतलब सब मैं भूल गई हूँ क्या रिकॉर्ड करूँ कैसे करूँ। मैंने सोचा था कि खाने की थाली रिकॉर्ड करूँगी कैसे मैंने क्या क्या बनाया है, पर सबको मैंने खाना ऐसे ही दे दिया। जब खाना सब लोग खा लिए तब मुझे याद आया कि अरे मुझे रिकॉर्ड करना था, तो बाकी जो इसमें मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए सॉरी। मेरे बोलने में या मेरे वीडियो में कोई भी ऐसा चीज़ हो कि जो आप लोग को पसंद ना आए तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। और अभी देखिए हमारे यहाँ पैर जो है ऐसे हो, मतलब रंग ऐसे लगाया जाता है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।